गुनाह तो गुनाह होता है और इस हालात में ये गुनहगार है। सिंह परिवार और सलोनी जी की बर्बादी ने उनके दरवाजे पर पहली दस्तक दी है। उसी खुशी में जल्दी का राजा ब्रिजेश, मेरे पूरे घर में आपके बिना बहुत अकेली हो गई हूं मैं। ये सिंह परिवार की बहू है, बहू, और हमारे इस हालत की जिम्मेदार है ये। फाइनली मेरी कमिश्नर अंकल से बात हो गई है, लेकिन वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में है। उन्होंने कहा तो है कि वो अपने डिपार्टमेंट से बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि केस को अच्छी तरह समझे बिना इतनी दूर बैठे वो कुछ कर पाएंगे। मैंने 2-3 और लोगों से बात की है और कलिका भी अपनी ओर से ट्राई कर रही है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब को कुछ नहीं होगा ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज अस्पताल में उन परिवारों से मिलकर आई हूं मैं। बहुत तकलीफ में है सब। जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल है, वो इलाज के लिए पैसे कहां से लाएंगे? मुझे लगता है कि नकली दवा के कारण जिनके जान पर बनाई है, उनकी मदद करनी चाहिए हमें। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। कॉम्पेंसेशन तो लोगों को मिलना ही चाहिए। जो भी रकम हो हमें मंजूर है, क्यों ना? हाँ काका साहब, इसमें पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारा धर्म है कि दुख की इस घड़ी में उन गरीब परिवार की आर्थिक सहायता करें। तो फिर ठीक है बेटे, तुम डिटेल्स का पता लगाओ कि कितनी फैमिलीज हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, और फौरन कैश का इंतजाम करके उन्हें पहुंचा दो। जी काका साहब। हाँ नाहर, ऐसे समय में औरों की दुआएं काम आती हैं। ये काम तुम जल्द से जल्द कर दो। अब मैं अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को फोन करता हूँ। 1 मिनट। मुझे नहीं लगता हमें ये कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। एक तरफ मैं ये साबित करने में लगी हूँ कि ये दवाइयाँ हमारे फैक्ट्री से बनकर मार्केट में नहीं गई हैं। ऐसे में कॉम्पेंसेशन देने का मतलब जानते हैं? एक तरह से हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ हमारी ही फैक्ट्री में बनी थी। और अगर ऐसा हुआ तो ब्रिजेश भाई साहब को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कलिका बिल्कुल सही कह रही है, कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद करने की। नहीं भाभी साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरों की तकलीफ देखकर मुंह नहीं मोड़ सकते। ईश्वर की कृपा से हम उस लायक हैं कि जरूरतमंद लोगों का दर्द बांट सके। अगर हम ही पीछे हट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे वो परिवार जिनके अपने रुपयों के अभाव में मौत का सामना कर रहे हैं? परायों से हमदर्दी जता रही हो सलोनी, मेरे आंसुओं की परवाह नहीं है तुम्हें? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे भाई साहब को फांसी हो जाए? भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद मिल जाए उनको, तो उनकी बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अपनी आंखों से रोते बिलखते लोगों को देखा है मैंने भाभी साहब, और उनका दर्द और औरों का दर्द तुम्हें नजर आ रहा है सलोनी, अपनों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। कैसे एक एक पल मैं ब्रिजेश के बगैर बिता रही हूँ, और मेरा ब्रिजेश बेगुनाह होकर भी सलाखों के पीछे है। क्या तुम ये सहन कर सकती हो? भाभी साहब मेरी आत्मा जानती है कि आपको और भाई साहब को इस हालत में देखकर मुझ पर क्या गुजर रही है, लेकिन भाभी साहब उनके बारे में भी तो सोचिए जिनके सहारे पूरा परिवार चलता है। दिन भर पसीना बहाकर मेहनत करने के बाद जिनके घर चूल्हा जलता है, अगर वही बिस्तर पर पड़े रहे तो उनके माँ बाप, उनके बीवी बच्चों का क्या होगा? लेकिन भाभी साहब अभी अभी कलिका ने कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो मैं भी इस हादसे की जिम्मेदारी अपने सर लेने के लिए कहाँ कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते मदद करना चाहती हूँ बस। सलोनी इस वक्त तुम इंसानियत का पाठ पढ़ा रही हो? भाभी साहब अभी कुछ देर पहले आप ही ने कहा था ना कि दुआओं में बहुत असर होता है। अरे वो गरीब लोग बेचारे क्या जाने कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं, लेकिन इस वक्त हमारी एक मदद कई लोगों की जान बचा सकती है भाभी साहब। और रही बात भाई साहब को बचाने की, तो हम सब उसी कोशिश में लगे हुए हैं। क्यों किसी गरीब की हाय लेना चाहती हैं आप? सलोनी तुम सही कह रही हो, मदद से इनकार नहीं है मुझे। गलती चाहे किसी की भी हो, अगर हम किसी की मदद कर सके तो इससे ज्यादा पुण्य का काम और क्या होगा। मुझे तो बस तुम्हारे भाई साहब की चिंता है, वो घर वापस आ जाए बस। आखिर इमोशनल स्पीच देकर सलोनी और नाहर ने तारा को अपनी तरफ कर ही लिया, लेकिन तारा राजी हो गई तो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। नाहर बेटे इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दीदी बात तो सुन लो सलोनी, विक्टिम्स को फाइनेंशियल हेल्प जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक ब्रिजेश भाई साहब बेकसूर साबित नहीं हो जाते तब तक हमें चुप रहना होगा। एक बार भाई साहब के सर से ये इल्जाम हट जाए फिर हम खुद पर्सनली जाकर जितना हो सके उन परिवार वालों के लिए करेंगे, लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तब देखो सलोनी, इंसानियत के खातिर हम दूसरों की जान बचाने के लिए अपने घर को आग के हवाले नहीं कर सकते हैं। ब्रिजेश भाई साहब और हमारी फैमिली का बहुत नाम है इस शहर में। आप लोग जानते नहीं हैं कि टीवी और मीडिया वाले इस बात को कहां से कहां पहुंचा देंगे। इसलिए कह रही हूं कि जब तक ब्रिजेश भाई साहब पर लगे इल्जाम मिट नहीं जाते, वो आजाद नहीं हो जाते, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो दिल में आए हम कर लेंगे। बाद में कब दीदी, जब अकेला कमाने वाला ही नहीं रहा तब किसी मदद का क्या फायदा। बस सलोनी तुम चाहे मुझे स्वार्थी कहो, लेकिन मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे ब्रिजेश का केस कमजोर हो जाए। और बिना कोई काम किए, बिना कोई गलती के उन्हें सजा हो जाए। जब भाई साहब निर्दोष हैं, तो उन्हें सजा क्यों मिलेगी भाभी साहब? क्योंकि सलोनी इस वक्त हम मदद का हाथ आगे बढ़ाकर लोगों के दिल में शक नहीं पैदा कर सकते। खुद लोगों को ये कहने का मौका नहीं दे सकते कि पहले लालच में आकर नकली दवाई बनाई, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और अब मदद करके अपनी गलती पर पर्दा डाल रहे हैं। मैं अब भी कह रही हूँ, एक बार ब्रिजेश भाई साहब पर लगे इल्जाम हट जाए उसके बाद हम सबकी मदद करेंगे। नहार, सलोनी भाभी साहब की सोच एकदम सही है नहार, लेकिन इस वक्त हमें यह भी सोचना चाहिए कि तारा भाभी साहब पर क्या गुजर रही है। जरा सोचो नहार, अगर कोर्ट ने भाई साहब को लंबी सजा सुना दी तो तारा भाभी साहब पर क्या गुजरेगी? क्या वो भाई साहब के बिना जिंदा रह पाएगी? नहीं। आप ही बताइए डैड, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या करें बेटा, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। पहली जीत मुबारक हो करेगा। Cheers। तुम खुशियां बहुत जल्दी मनाने लग जाते हो। ये हमारी जीत नहीं, जीत की तरफ पहला कदम है, या फिर ये कहो कि पहला वार है। अभी सिर्फ तारा और सलोनी के बीच दरारें पड़नी शुरू हुई है, खाई का बनना अभी बाकी है, और बाकी है तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे पिता की नजरों में गिराना। अब देखना यह है कि ये एक इन्वेस्टमेंट कैसे 3 गुना मुनाफा करवा के जाता है। 3 गुना मुनाफा मतलब? सीधा सा कैलकुलेशन है। पहला मुनाफा तारा और सलोनी के बीच की दूरियां, दूसरा मुनाफा ब्रिजेश और नाहर का तुम्हारे पिता की नजरों में गिरना, और तीसरा मुनाफा जो कि बोनस है, धीर का हमारी तरफ आना और फिर इस केस में बुरी तरह फंस जाना और हमारे काम आना। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम एक परफेक्ट वॉरियर हो कलेका, जिसे अच्छी तरह से पता होता है कि किले की सबसे कमजोर दीवार कौन सी है, जिस पे वार करने से पूरा किला ढह सकता है। जानती हूं, पर यह है भी तो एक लड़ाई ही, मेरी जिंदगी की लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जिसे लड़ने के लिए मैं कब से मचल रही थी। तुम देखना क्षितिज, मैं इस जंग को जीत कर रहूंगी। जरूरत है तो एक छोटी सी दरार की, और वो दरार बनेगा धीर। आप यकीन के साथ कह सकते हैं ना कि हमसे गलती नहीं हुई है भाई साहब? फिर कंवर साहब बुरा मत मानिए, आप क्वालिटी कंट्रोल के हेड हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे पता नहीं है क्या कि इस गलती का परिणाम क्या होगा, मैंने नहीं की है गलती। देखिए ब्रिजेश भाई साहब, आप परेशान मत होइए। अरे आजकल की दुनिया में क्या नहीं होता है। क्या है कि कानून वानून जो है ना, सब उसी आदमी की मुट्ठी में है जिसकी मुट्ठी में चंद सिक्के हो। जरा सी मुट्ठी ढीली की और बस आपको जो चाहिए वो आपकी मुट्ठी में आके मिल जाएगा। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगा। कंवर साहब कितने सालों से मुझको जानते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पैसों के जोर लगाकर अपनी गलती को सही कर दूं। ये अलग बात है कि पेशेंट्स के लिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, उनके इलाज के लिए मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन रिश्वत मैं कभी नहीं दूंगा। मेरे कहने का भी वही मतलब है, आप कॉम्पेंसेशन समझ के दे दीजिए। अरे उसी से उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। अब देखिए, आप डायरेक्टली दें या इनडायरेक्टली दें, ये आप पे है। वो क्या है कि अब भोग तो भगवान को ही लगाते हैं, लेकिन प्रसाद जो है वो तो भक्त लोग ही खाते हैं ना। नहीं, नहीं डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्ट मदद होगी। किसी को भनक भी लग गई ब्रिजेश तो बेगुनाह होते हुए भी हम लोग गुनहगार माने जाएंगे। पर हम लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? वो दवाइयाँ हमारी कंपनी की थी, हमें प्रायश्चित करना होगा अपनी गलती के लिए तारा, हमें उन लोगों की मदद करनी होगी। ब्रिजेश, अरे अगर गलती हुई होती तो ना, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने कोई गलती नहीं की है। बड़ी मुसीबतों के बाद मुझे मेरा बच्चा मिला है, मैं उसकी परवरिश अकेले नहीं करना चाहती। और कंवर साहब प्लीज, आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए जिससे और मुसीबतें आ जाएं। इस केस में क्या करना है सिर्फ कलिका डिसाइड करेगी। सिर्फ कलिका ब्रिजेश को और हमारे खानदान को बर्बाद होने से बचा सकती है। सिर्फ कलिका मेरे पति की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। हम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं नाहर? अब भी उस हादसे के शिकार इंसान की पत्नी की नजरें रह रहकर मेरे सामने आ रही है। उस बूढ़ी औरत की आंखों में वो दर्द देखा है मैंने जो मैं बता नहीं सकती। अगर सीधे तरीके से नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। उस बूढ़ी आंखों में अपने जवान बेटे को खोने का दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं इस काम में तुम्हारे साथ हूं सलोनी। हम मदद करेंगे उनकी, चाहे चोरी छुपे क्यों ना करनी पड़े। थैंक्स नाहर। शुक्रिया तो मैं ईश्वर का अदा करना चाहता हूं सलोनी, जिसने मुझे सोने के दिल वाली हम सफर दी, जिसके दिल में अपनों के साथ साथ औरों के लिए भी दर्द उठता। सब सो जाए फिर हम चलेंगे। ओके तो सलोनी ये दिया आप साथ नहीं चलेंगे? नहीं सलोनी, मुझे देखकर उनका गुस्सा बढ़ सकता है। वो जानते होंगे कि इस कंपनी का डायरेक्टर मैं हूं, इसलिए प्लीज तुम जाओगी तो ठीक रहेगा। ये कुछ पैसे हैं, आप अपने बेटे को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाइए और जितना हो सके उतना अच्छा इलाज करवाइए। तू कितनी अच्छी है बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तेरी गोद में लल्ला खिलाए। ये कुछ और पैसे हैं, बाकी लोगों में बांट दीजिए। हम सब एक ही जगह से हैं, सबको बांट दूंगी। मैं चलती हूँ, इसे रख लीजिए। सब ठीक रहा ना? हाँ नाहर, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पाप का प्रायश्चित करके लौटे हैं। तुम साथ ना देते तो शायद ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता। दिल पर बोझ रह ही जाता। अब घर चलें?